एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। इम्फाल में छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, राजभवन पर पत्थरबाजी भी की। इम्फाल छात्रों और पुलिस के बीच जंग का मैदान बन गया। डीजीपी और सिक्योरिटी एडवाइजर को हटाने की मांग को लेकर छात्रों ने मार्च निकाला, राजभवन की तरफ कूच किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की तो छात्र भड़क उठे, राजभवन और पुलिस की गाड़ियों पर पथराव कर दिया। जवाब में सुरक्षा बलों ने कई राउंड आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट दागे, इसमें 20 स्टूडेंट्स घायल हो गए। प्रदर्शन के दौरान सीआरपीएफ की गाड़ियों पर भी पथराव किया गया। छात्र मैतेई इलाकों में हुए ड्रोन हमलों का विरोध कर रहे हैं, सेंट्रल फोर्सेस पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए राज्य छोड़कर जाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा डीजीपी और सिक्योरिटी एडवाइजर को हटाने की भी मांग हो रही है। मणिपुर को लेकर राजनीति भी गर्मा चुकी है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर मणिपुर में हिंसा रोकने में नाकामी का आरोप लगाया है। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगी नई स्टेटस रिपोर्ट। रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिया एक सप्ताह का समय। कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर से हुई दरिंदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से एक सप्ताह में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। आज इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में सीबीआई के वकील ने कहा कि फॉरेंसिक सैंपल जमा करने की प्रक्रिया संदिग्ध थी, इसलिए हम दोबारा जांच करवा रहे हैं, सैंपल एम्स और दूसरी लैब को भेजेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपकी तरफ से प्रस्तावित जांच की दिशा को जाना, हम इस पर खुली अदालत में टिप्पणी नहीं करेंगे। हम एक सप्ताह के लिए सुनवाई टाल रहे हैं, आप नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। 17 सितंबर को सुनवाई में हम ये देखेंगे कि सैंपल किस तरह से जमा किए गए थे। सुनवाई के दौरान ये भी पता चला कि वारदात के समय की सीसीटीवी फुटेज सीबीआई को मिल गई है। उन फुटेज में मुख्य आरोपी संजय राय सेमिनार रूम में जाते और आते दिख रहा है। कोलकाता पुलिस ने सर्च और सीजर की वीडियोग्राफी भी सीबीआई को दी है। पुलिस इवेंट से दिन संगे संगे जय कोर्ट निर्देश दिए सीबीआई सब कागज पत्र वीडियो रिकॉर्डिंग एवं कि डीएनए टेस्ट सह रिपोर्ट सह सब कुछ हैंडओवर कर। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने संकेत दिए हैं कि दुर्गा पूजा को देखते हुए फिलहाल कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को नहीं हटाया जाएगा। ममता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कुछ दिन धैर्य रखिए। पश्चिम बंगाल में जल्द खत्म हो सकती है जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल। सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों को काम पर वापस लौटने के लिए दिया कल शाम तक का वक्त। कोलकाता कांड के बाद से बेमियादी हड़ताल पर चल रहे जूनियर डॉक्टरों को अब काम पर वापस लौटना होगा। सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हड़ताली जूनियर डॉक्टर कल शाम 5 बजे तक काम पर वापस लौट आए। काम पर लौटने वाले डॉक्टरों के खिलाफ राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अगर वो नहीं लौटते तो हम राज्य सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते। अगर कोई डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर शिकायत करता है तो एसपी उस पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करें। इसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा कि डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल उनसे मिल सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से लाखों लोग परेशान हैं और इलाज के अभाव में 23 मरीज दम तोड़ चुके हैं। हम उम्मीद रखते हैं जस्टिस के लिए, जस्टिस जो हमारा डिमांड है उसको एड्रेस करें। सारे प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स पैन जीबी मीटिंग में ये डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर के, उसके बाद हमारा आगे का क्या प्लान ऑफ एक्शन है हम उस मीटिंग के बाद ही डिस्कस करें। इस बीच लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ कोलकाता में लोगों ने एक लंबी ह्यूमन चेन बनाकर प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट श्याम बाजार इलाके में किया गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जूनियर डॉक्टर की वकील ने बताया कि करीब 2% डॉक्टर ही हड़ताल पर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उन हड़ताली डॉक्टरों को भी काम पर वापस लौटना होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।